Hi guys, welcome to my YouTube channel and today I am create detailed wedding guest makeup tutorial for beginners. So let's get started. Firstly हम apply करने वाले हैं face पर moisturizer. ये lightweight moisturizer है and हम finger की help से dab dab apply करेंगे and इसको blend करेंगे. सो सेकेंडली हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन समर्स. तो सनस्क्रीन अप्लाई करना है हमें एंड इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे एंड नेक को भी कवर करना है साथ में. एंड इसके बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे. सो प्राइमर मैंने लिया है लैक्मे का एंड प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको ना 2 या 3 मिनट के लिए फेस को रिलैक्स देना है. उसके बाद ही हम कंसीलर या फिर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे. सो मैं इसके बाद अप्लाई करने वाली हूँ कलर करेक्टर. सो ये मीडियम शेड है ऑरेंज एंड हम फेस का करेंगे करेक्टिंग. जो हमारा पिगमेंटेशन एंड जो ग्रे फाउंडेशन हो जाता है ना यार, जैसे फॉर एग्जांपल माउथ पे, अंडर आइज पे, सो उसको एक कंट्रोल करेगा. एंड इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है कंसीलर. ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है. कंसीलर डार्क सर्कल्स, रिंकल्स को कवर करेगा एंड हमें एक सीमलेस फिनिश प्रोवाइड करेगा. सो मैंने अप्लाई किया है कंसीलर एंड इसके साथ ही आई मेकअप का बेस मैं रेडी कर रही हूँ. सो इस पे आई लीड पर मैंने कंसीलर को अप्लाई कर लिया है. आप देखो मैं बिल्कुल भूती बन गई. एंड इसके बाद हम ब्लेंडर की हेल्प से इसको भी ब्लेंड कर लेंगे एंड आप इसका फाइनल लुक देखना जो कंसीलर एंड जो हमने करेक्टर यूज़ किया है. सो देखो मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट भी है लगाने को, बट हम फाउंडेशन भी अप्लाई करेंगे फेस पे. सो फाउंडेशन मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का एंड इसको भी डेप डेप फिंगर की हेल्प से अप्लाई करेंगे एंड इसको ब्लेंड कर देंगे. सो ब्लेंड करने के बाद लुक कुछ ये है. सो आज हम फेस कॉन्टोरिंग को स्किप करेंगे एंड जहाँ जहाँ भी हमने कंसीलर यूज़ किया था वहाँ पर हमको पाउडर से सेट करना है. सो इट्स कम्प्लीटली डन एंड हम स्टार्ट करते हैं अब आई मेकअप. सो मैंने लाइट ब्राउन आई शेडो अप्लाई किया है बेस के लिए जो मैं इसका बेस दूंगी एंड इसके बाद हम पूरे आई लिड पर अप्लाई करेंगे. आउटर कॉर्नर पर मैंने ब्लैक अप्लाई किया है आई शेडो एंड इसको ब्लेंडिंग करना है. ब्लेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि हमारा आई मेकअप का लुक एकदम वाव लगे. एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया है आउटर कॉर्नर का मेकअप. अब हम इनर कॉर्नर्स के लिए मैं साड़ी का मैचिंग ही ग्रीन अप्लाई करूँगी. सो ग्रीन आई शेडो मैंने अप्लाई किया है इनर कॉर्नर पर एंड इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे एंड लुक कुछ ये है. सो इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड काजल अप्लाई करने के बाद इस काजल को थोड़ा सा मैंने स्मच किया है ताकि हमारा जो आई कोल टाइप मेकअप होता है वैसा मेकअप हो. एंड इसके बाद अप्लाई करेंगे मस्कारा. एंड मैं आपको बता दूँ कि मैंने लैशेस भी अप्लाई कर लिए थे एंड लैशेस अप्लाई करने के बाद का लुक कुछ ये है. सो आई मेकअप हमारा डन हो गया है एंड हम करेंगे ब्रॉन्जिंग. सो मैंने रॉयल हेवन का ब्रॉन्जिंग पैलेट लिया है एंड हम चीक बोन्स पर, नोज़ पर, टिन पर ब्लश अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई करेंगे. से शाइन एंड ग्लो प्रोवाइड होगा एंड लास्ट हम अप्लाई करने वाले हैं लिपस्टिक. सो ये लिपस्टिक मैंने अप्लाई किया एंड इसके लुक कुछ ये था. सो या दिस लुक इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी मेकअप लुक. सो यू कैन डू ईजिली क्रिएट दिस मेकअप ऑन वेडिंग सीजन्स एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक फैम. And I hope you like it too. Thanks for watching. Love you all.
Thank you.